गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटेड 25th ऑफ जनवरी. सो ऑन द फर्स्ट पेज देर आर टू इंपॉर्टेंट न्यूज विच आर गोइंग टू डिस्कस. वॉट द टाइटल ऑफ द फर्स्ट न्यूज इज लैक ऑफ कंसल्टेशन ओवर सेटिंग अप ऑफ इंक्वायरी पैनल अपसेट्स प्रोटेस्टिंग रेसलर्स. सो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने डिस्कस किया था कल भी कि बेसिकली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ और उसके जो अभी चीफ है दैट इज ब्रिज भूषण सिंह उसके खिलाफ यहाँ पे काफी सारे स्पोर्ट्स प्लेयर ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया दिल्ली में. 18th ऑफ जनवरी को ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ. फिर उससे कुछ समय बाद जैसे ही ये सब स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं ये हमारे यूनियन मिनिस्ट्री से मिले, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिले अनुराग सिंह ठाकुर जी से, तो उन्होंने बोला कि जितने भी इशूज़ हैं इनको रिजॉल्व किया जाएगा और अब हम इसके लिए क्या करेंगे कमेटी बनाएंगे. तो ऐसा आश्वासन दिया गया और कल ही हमने डिस्कस किया था कि कमेटी 5 मेंबर की यहाँ पर बनाई गई जिसको हेड यहाँ पे एमसी मैरीकॉम जी यहाँ पे कर रहे हैं. बट अब यहाँ पे इशू क्या आ गया कि जैसे इस कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ कि ये 5 मेंबर की कमेटी यहाँ पर बना दी गई है और इस कमेटी को जो हेड है एमसी मैरीकॉम जी करेंगे और ये कमेटी 1 महीने में अपनी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे देगी कि बेसिकली यहाँ पर जो एलिगेशंस लगे हैं अगेंस्ट ब्रिजभूषण सिंह जो बीजेपी के एक लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है केसरगंज उत्तर प्रदेश से और जो जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस हैं चार्जेस ऐसे लगाए हैं सेक्सुअल अब्यूज़ के सेक्सुअल हरासमेंट के बाय दी स्पोर्ट्स प्लेयर्स. सो अब यहाँ पे दीज पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग और दीज स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज दे आर ऑफ द ओपिनियन. इनमें से देर आर 3 प्रोमिनेंट नेम्स विच आर कमिंग दैट इज बजरंग पुनिया जी, विनेश फोगाट जी एंड साक्षी मलिक जी. इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने तीनों ने एक सिमिलर ट्वीट यहाँ पे लिखा है और उस ट्वीट में यहाँ पर बोला है कि ये जो कहीं ना कहीं कमेटी यहाँ पर बनाई गई है हम इसके खिलाफ नहीं है बट किन किन मुद्दों पे या क्या क्या इश्यूज़ हैं हमको इन इश्यूज़ को पहले इन कमेटी को सुनना चाहिए था फिर ये कमेटी बननी चाहिए थी. इसी वजह से इन तीनों लीडर्स ने इन तीनों स्पोर्ट्स पर्सन्स ने क्या किया है यहाँ पे एक ट्वीट थ्रू ट्वीट जिसमें टैग किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, हमारे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर को और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी को और उसमें बताया कि ये जो कमेटी बनी है इसमें बेसिकली यहाँ पर क्या किया गया बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है मैं इसको जूम करता हूँ. दैट इज वी वर अश्योर्ड दैट वी वुड बी कंसल्टेड बिफोर द ओवरसाइट कमेटी वॉज फॉर्म्ड. ऐसा इनका मानना है कि जब हमारी अनुराग सिंह ठाकुर जी से बातचीत हुई थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर से तब उन्होंने बोला था कि कमेटी बनाई जाएगी तो आपसे पहले बातचीत होगी कि बेसिकली उसमें क्या क्या कंसर्न्स होंगे. इट इज़ वेरी सैड दैट वी वर नॉट इवन कंसल्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कमेटी और बाद में उन्होंने टैग किया. सो अब उनका कंसर्न यहाँ पर ये है कि हम ना तो कमेटी के खिलाफ है ना कमेटी मेंबर्स के खिलाफ है कि इसमें कौन कौन इस कमेटी के मेंबर्स है बट जो जो इशूज है हमारे उनको पहले इस कमेटी को फॉर्म करने के पहले सुनना चाहिए था कि ये इशूज है ताकि उन इशूज का 1 महीने में यहाँ पर समाधान निकाला जा सके. अब इन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ने यहाँ पर ये भी बोल दिया है कि अगर इनके द्वारा कोई रिपोर्ट यहाँ पे आती है और जिसमें जो इश्यूज़ है उनको केटर नहीं किया जाता तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इस रिपोर्ट को या कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी 1 महीने बाद इसको नहीं मानेंगे. इसके बारे में अभी से ही जानकारी यहाँ पर दे दी गई है बाय दी स्पोर्ट्स पर्सन. सो सभी ने अपनी अपनी यहाँ पर बात रखी, बजरंग पुनिया जी ने भी रखी, देन साक्षी मलिक जी ने भी अपने बारे में बताया और बेसिकली दिस इज बेसिकली द लिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स हु आर बेसिकली हेडिंग और आर पार्ट ऑफ दिस कमेटी विच हैज बीन हेडेड बाय एमसी मैरीकॉम जी. सो दिस वॉज अबाउट दिस होल न्यूज बिटवीन द टसल विच हैज बीन गोइंग ऑन बिटवीन द रेस्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एज वेल एज देयर सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन हु आर ऑफ द ओपिनियन दैट द करंट चीफ इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड दे हैड मेड एलिगेशन अगेंस्ट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट ब्रिजभूषण सिंह. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज. सेकेंड न्यूज, सो व्हाट द टाइटल ऑफ दिस न्यूज सेज सुप्रीम कोर्ट रॉन्ग इन रिवीलिंग सेंसिटिव रिपोर्ट सेट बाय रिजिजू. सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है हम कंटिन्यूस बेसिस पे देख रहे हैं, इट्स बीन नियरली 20 days 25 days दैट देर इज अ कंटिन्यूस टसल बीइंग गोइंग ऑन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी रिगार्डिंग द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स. सो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे यहाँ पर सरकार जो कलेजियम सिस्टम है इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन यहाँ पर किया था दिल्ली हाईकोर्ट के जज का, मद्रास हाईकोर्ट के और बॉम्बे हाईकोर्ट के जज का, 3 जजेस का यहाँ पर रिकमेंडेशन था बट उसको वापस से भेज दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रीजन साइड किए वापस भेजने के, जो सौरभ कृपाल जी है जो फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट गे जज हो सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, उनको इसलिए मना कर दिया उनके बारे में क्योंकि उनके जो संबंध है वो एक स्विस नेशनल के साथ है और उसी के बाद उनके जो हमेशा से कॉमेंट्स रहे हैं और LGBTQ कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं तो इस वजह से सरकार ने मना किया. बाकी जो 2 लोग हैं जिसको बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट में यहाँ पर एलिवेट करने की बात की गई उनके द्वारा ऐसे लिखे गए कि उन्होंने अगेंस्ट दिस करंट गवर्नमेंट कुछ ट्वीट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखी है. तो इसी वजह से अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर जाते हैं तो सरकार का ऐसा मानना है कि आपके पर्सनल बायसेस नहीं होने चाहिए, इसी वजह से सरकार का ये मानना है कि हमने किया. अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये टसल यहाँ पर चल रहा था जिस तरीके से, क्योंकि हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि जब जब कलेजियम के द्वारा हाईकोर्ट कलेजियम हो या सुप्रीम कोर्ट कलेजियम जो कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है जजेस को तो हमेशा सरकार उस कमेटी के रिकमेंडेशन को मोस्टली हम देखते हैं कि मान लिया जाता है.
बट अभी यहाँ पर जैसे ही उसको वापस कर दिया गया, तो अब यहाँ पर सरकार जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियरी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने कुछ आईबी और सीबीआई की रिपोर्ट साइट करी कि हमने प्रॉपर यहाँ पर स्क्रीनिंग करा ली है। जैसे सौरभ कृपाल जी की स्पेशली यहाँ पर बात की गई कि उनका, उन्होंने अगर वो ओपनली गए यहाँ पर बता रहे हैं अपने आप को, और अगर वो बता रहे हैं कि मेरे स्विस नेशनल के साथ यहाँ पर संबंध है, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने ऑलरेडी रिवील कर दिया। तो अब यहाँ पर किरण रिजिजू जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर जी है, उनका ऐसा मानना है कि अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और कुछ रिपोर्ट्स है, आईबी की रिपोर्ट्स है, आरएनएडब्ल्यू की रिपोर्ट्स है, तो उसको आप अगर आप मतलब वो एक प्राइवेट होती है, वो एक कॉन्फिडेंशियल होती है, राइट, बट उसको आप अगर ऐसे पब्लिकली उसको साइट करेंगे और उसको बोलेंगे बिकॉज आपको आपके एक जज को या आपके एक पर्सन को जो इसको हाईकोर्ट का जज आपको बनाना है और आपको कहीं ना कहीं कम्युनिटी को कहीं ना कहीं फेवर करना है, इस तरीके का आप काम कर रहे हैं। सो इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज यहाँ पर किया है यूनियन लॉ मिनिस्टर ने कि किस तरीके से ये जो अभी कुछ आईबी और सुप्रीम कोर्ट आरएनडीडब्ल्यू की रिपोर्ट्स को साइट किया, वो अपने आप में गलत है। देन जब उनसे पूछा गया हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर जी से कि जिस तरीके से ये अभी जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में इश्यूज चल रहे हैं, उसमें आपका क्या टेक है, तो उन्होंने बेसिकली बोला कि हम ये नहीं चाहते कलिजियम सिस्टम खत्म हो जाए, बट बेसिकली कुछ कमिटीज़ के अंदर ये जो कलिजियम सिस्टम है, इसमें कुछ इंडिपेंडेंट लोग रहे ताकि एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो। प्लस उनसे पूछा गया रिगार्डिंग कि आपके रिलेशंस कैसे विथ सीजेआई, तो बोले उनसे मेरी रेगुलर मुलाकात होती रहती है, बट अभी जो कंसर्न है उसको जल्द से जल्द हमारे द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा, ऐसा भी उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़ कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है। सो दैट्स व्हाई ही सेड सुप्रीम कोर्ट रॉन्ग इन रिवीलिंग सेंसिटिव रिपोर्ट। सो दैट वॉज अबाउट जो आईबी एंड आरएनडीडब्ल्यू की रिपोर्ट यहाँ पर साइट की गई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दिस इज द सिटी पार्ट, यू कैन स्किप दिस। Then the state's news. Okay, this also we can skip. Now we'll move directly to the editorial part. So today we'll be discussing two editorial and one opinion. So the title of the first editorial says, The New and Dark Interpretation of We the People. So यहाँ पर बात की गई है कि अभी जो रिसेंटली जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में, और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जिस तरीके से अगर हम यूएस यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीज़ें ली है, या यूएस यूके को हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल में साइड करते हैं, तो उनके बारे में भी एग्जाम्पल दिए कि वहाँ कैसा होता है, स्पेशली विथ रेस्पेक्ट टू जुडिशरी। और लास्ट में क्यों यहाँ पर ऑर्डर ने कंपेयर कर दिया कि अगर ऐसे ही हमारे देश में चलता रहा तो शायद हमारा देश भी कम्युनिस्ट सरकार जैसे, जिस तरीके से चाइना है, रशिया है, टर्की जिस तरीके से काम करता है, तो एंडिंग इस तरीके से करें। तो इस पूरे एडिटोरियल को समझते हैं बेसिकली यहां पर स्टार्ट किस तरीके से ऑर्डर ने क्या बोलना चाहते हैं। फर्स्ट थिंग जो ऑर्डर ने यहां पर बोली कि हमारे देश में जिस तरीके से अभी एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी का यहां पर इशू चल रहा है उसके बारे में हाईलाइट किया। फर्स्ट थिंग उन्होंने बोली कि अभी जो 83rd प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग थी जयपुर में, जहां पे जो राज्यसभा के हमारे चेयरमैन हैं और हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ पर ओपनली यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम है और जिस तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर की जाती है, तो उसके बारे में बात, और उसी चीज़ को रिआइट्रेट यहाँ पर फिर से उसी मंच पर जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने फिर से उसको रिआइट्रेट कर दिया। तो इससे पूरे इसकी शुरुआत की गई। अब यहाँ पे ऑर्डर ने बोला कि अगर आप हमारा प्रीएम्बल देखें तो वहाँ भी वी द पीपल ऑफ इंडिया उस तरीके से पूरा प्रीएम्बल लिखा गया, और जिस तरीके से अब आप बात करें कि क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों का अपना अपना काम है और तीनों अपने अपना काम करते हैं, अगर हाँ अगर कोई अपने काम में हस्तक्षेप करता है, सही तरीके से नहीं करता, तो जुडिशियल रिव्यू होता है। बट यहाँ पे जिस तरीके से सरकार ये चाह रही है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसमें उनके लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं बैठे, और जिस तरीके से ये दोनों के बीच में जिस तरीके से कंटिन्यूस टसल यहाँ पर चल रहा है, वो अपने आप में गलत है। अब ऑर्डर ने बोला कि अगर आप काफ़ी बार एग्जाम्पल साइट करते हैं कि यूएस यूके का, तो वहाँ की भी स्थिति समझ लेते हैं, तो वहाँ जो जजेज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट बेसिकली प्रेसिडेंट करते हैं। यूएस की बात की यहाँ पे ऑर्डर ने कि वहाँ पे प्रेसिडेंट करते हो, प्रेसिडेंट को अल्टीमेटली चुनता कौन है, लोग चुनते हैं, राइट, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, फिर मान फाइनली क्या होता है, प्रेसिडेंट उसको एलिवेट करते हैं, बताते हैं, और फिर कांग्रेस जो है वहाँ की सेनेट उसमें उसकी सहमति हो जाती है, तो अपॉइंटमेंट होता है, इस तरीके का प्रोसेस है। यही आप यूके की बात करते हैं, यूके में विच इज हैविंग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बट स्कूल स्टिल रूल्स रेगुलेशंस है, तो वहाँ का अपना एक प्रोसीजर जिस तरीके से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं। बट ऑर्डर ने बोला कि अभी हमारे देश में जिस तरीके की सिचुएशन है, इस तरीके से हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि
जो इलेक्टेड पीपल है, मतलब दैट मीन्स दोज हु आर द लेजिस्लेचर, जो कानून को इम्प्लीमेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा में जो बिल लेके आते हैं, पास कराते हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है या एमएलए हैं स्टेट्स में, तो वो ज़्यादा पावरफुल हो गए विद रिस्पेक्ट टू द एग्जीक्यूटिव जुडिशियल. क्योंकि एग्जीक्यूटिव जुडिशियल में मोस्टली हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग थ्रू एलिवेशन यहाँ पर आते हैं, थ्रू रिकमेंडेशन आते हैं. तो क्या ये लोग जो अपॉइंटेड, दैट मीन्स जिन जो लोग इलेक्टेड है या जिनको लोगों के द्वारा चुना गया, क्या वो कलेक्टिव वॉइस सभी की है? क्या वो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी उनके रोल में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या? तो उस चीज़ को भी यहाँ पे ऑदर ने बोला. प्लस ऑदर ने इंडिया की सिचुएशन बताई कि इंडिया में पिछले कुछ समय से जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि NJAC की यहाँ पर बार बार बात की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की यहाँ पर बात की गई, जिस तरीके से उसको 4:1 की मेजोरिटी से यहाँ पर हटा दिया गया था, और उसी चीज़ को लगभग 8 साल के बाद फिर से यहाँ पे सरकार उसको लेके आने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, सो दैट जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट हो. अब यहाँ पे ऑर्डर ने लास्ट में, अगर हम बात करते हैं, ये भी बोला कि कुछ कुछ जगह हम ऐसे देखते हैं कि या तो सेंटर ही पूरा पावर रखती है, कि सेंटर सुप्रीम हो चुकी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो रखी है, लेकिन कुछ जगह यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे स्टेट्स की अगर बात की जाए तो स्टेट्स में यहाँ पर सेंटर ने क्या कर रखा है, अपने कस्टोडियन बिठा रखे इन द फॉर्म ऑफ गवर्नर्स, राइट. अब गवर्नर्स क्या कर रहे हैं कि दे आर वर्किंग लाइक द पीपल हु आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. दैट मीन्स इफ देर इज ए नॉन BJP पार्टी एज पर ऑथर, तो वहाँ पे गवर्नर्स कहीं ना कहीं एज ए सुप्रीम वहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी बिल्स को यहाँ पर पास नहीं कर रहे, वो सब चीज़ क्या नहीं बताया. सो द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि अगर सेंटर है तो आप पूरा रूल्स रेगुलेशन आप ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब स्टेट की भी अगर बात आती तब आपने आपके गवर्नर को वहाँ पे बिठा रखा है, वो पूरा वहाँ पे संभाल रहे हैं. तो क्या ये सही है? ये ऑर्डर ने यहाँ पर क्वेश्चन किया. और लास्ट में यहाँ पर ऑर्डर ने क्या बोला कि डेंजर्स अहेड, अगर इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहा और ये जो टसल चल रहा है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी के बीच में, स्पेशली एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी के बीच में, अभी जो ऑर्डर ने बताया इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में, तो वो अपने आप में गलत है. और ऐसे ही अगर हमारे देश में होता रहा तो देर विल बी ए सिचुएशन दैट द डिटर्मिनेशन विद विच द रूलिंग पार्टी इज अप्रोचिंग, दिस इज टॉकिंग अबाउट द करंट गवर्नमेंट, द मेजोरिटी इन विच द कंट्री विल ओनली अशर इन डिवाइसिव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन स्टेट्स एंड रीजन्स, सैडली इंडिया विल बी जस्ट अनदर रशिया, चाइना और तुर्की. इस एंड पे, इस नोट पे यहाँ पर ऑर्डर ने इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को यहाँ पर एंड किया. आई होप ये एडिटोरियल समझ आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, देन विल कम डाउन टू द सेकेंड एडिटोरियल. सो वॉट द टाइटल ऑफ द सेकेंड एडिटोरियल सेज, वन सेकेंड, ओके. सो वॉट द टाइटल सेज, वर्किंग हैंड इन हैंड टू शो केस इंडिया. सो यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के, और जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट रीजन की जो मिनिस्ट्री है, दैट इज उसी के मिनिस्टर जो हमारे जी किशन रेड्डी जी हैं, उन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है. उन्होंने क्या बोला है, दैट इज टूडे 25th of January, आज हम वर्ल्ड टूरिज्म डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं. तो अब इन्होंने, उनकी सरकार ने जिस तरीके से यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू आफ्टर पोस्ट कोविड किस तरीके से काम किया, इवन प्री कोविड जो जो पॉलिसीज यहाँ पर लाई जा रही है, तो उसके बारे में हाईलाइट किया. सो ऑर्डर ने यहाँ पर बेसिकली बोला कि जो स्टार्ट इससे किया कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन कोलेबरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यहाँ पर हमने 25th of January को एक पार्टनरशिप चालू करी, जहाँ पर जगन्नाथ यात्रा ट्रेन पैकेज एक निकाला, जिसमें 8 दिन का एक टूर रहेगा, जिसमें दिल्ली से आई थिंक गया तक ये पूरा थ्रू भारत गौरव ट्रेन, ये पूरा यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, और लोगों को हमारा जो रिच कल्चर हेरिटेज उसके बारे में बताया जाएगा. एज वी आर ऑलरेडी अवेयर, दिस मोदी गवर्नमेंट इज वर्किंग इंटेंसिवली ऑन रिच कल्चर हेरिटेज. हमने महाकाल कॉरिडोर देखा, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देखा, केदारनाथ बद्रीनाथ में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे, तो वो काफ़ी काम यहाँ पे सरकारों के द्वारा किए जा रहे हैं, राइट. तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला कि अभी की जो हमारी यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री जिस तरीके से यहाँ पर काम करी, दे आर नॉट वर्किंग सोलली कि दे आर हैविंग द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, तो उनको ही टूरिज्म के बारे में सब सोचना है, ऐसा नहीं है. दे आर वर्किंग इंटीग्रेटेडली विद डिफरेंट यूनियन मिनिस्ट्रीज कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल भी किसका दिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ उन्होंने काम किया. देन यहाँ पे ऑर्डर ने बोला कि हमने कुछ की नियरली 20 मिनिस्ट्रीज के साथ हम यहाँ पे कोलैबोरेशन करके अलग अलग टूरिज्म सेक्टर को किस तरीके से बढ़ा सके वैसा काम कर रहे हैं. सो उन्होंने होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की यहाँ पर बात की, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करी, और डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की बात करी, जल शक्ति मिनिस्ट्री की. तो उसके तहत हम क्या कर रहे हैं कि हमारे देश में टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, और टूरिज्म से अल्टीमेटली यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा हमें ये होने वाला है कि जो लोग बाहर रहते हैं वो अगर इंडिया का कल्चर देख रहे हैं, और इंडिया कल्चर अपने आप में इतना रिच है और कल्चर हेरिटेज, तो वो उससे यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी और बेटर अर्निंग के लिए, और हमारे जो कल्चर है, रिच कल्चर है, उसको हम समूचे विश्व तक यहाँ पर पहुँचा पाएंगे. सो ये यहाँ पर ऑर्डर ने बोला,
As you can see in the screen itself, 20 central government ministries are working for the promotion of this particular tourism ministry. Plus, जिस तरीके से अलग अलग programs यहाँ पे सरकारों ने चलाए उसके बारे में बताया, प्लस सरकार की जो टूरिज्म पॉलिसी और किस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली इवन आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड के समय हम लगभग 2 साल का समय हमने ऐसा देखा जहाँ पे टूरिज्म सेक्टर ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका ब्रंट झेला. दैट मीन्स कि बहुत सारे सेक्टर्स या इससे जो एसोसिएटेड कंपनीज थी, बिजनेसेस थे, वो ठप हो गए थे, बट उनको वापस रिवाइव करने की यहाँ पर सरकार कोशिश कर रही. इसी में यहाँ पे ऑदर ने जो है बताया कि किस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी जब बाहर जाते हैं और जब इंडियन डायस्पोरा को स्पेशली यहाँ पर एड्रेस करते हैं, तब हमने देखा कि लास्ट ईयर भी जब वो कॉपनहेगन डेनमार्क में गए थे, तब उन्होंने इसकी बात की थी कि हम ऐसा चाहते हैं कि हर एक इंडियन यहाँ पे जो है अपने 5 NRI मित्रों को इंडिया कल्चर के बारे में बताए और उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करें कि आप इंडिया चलें, इंडिया देखें और इंडिया के रिच कल्चर को यहाँ पर समझें. सो इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि हमारे टूरिज्म सेक्टर को एक बहुत बड़ा यहाँ पर पुश मिलेगा. सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर ऑर्डर ने दिया और ऑर्डर ने यहाँ पर जो एंडिंग की है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग हमारे यहाँ पे जो रिलीजन्स है और उनके अलग अलग जो कहीं ना कहीं टेम्पल्स है, मस्जिद्स है, गुरुद्वाराज है, तो उसमें वहाँ के कल्चर को समझना, वहाँ के हेरिटेज को समझना, वहाँ की सिटीज़ को समझना, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को समझना, वो अपने आप में एक बहुत अलौकिक अनुभव है, ऐसा उदाहरण यहाँ पर बताया. तो इसी वजह से हमें लोगों को प्रमोट करना, कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहिए, स्पेशली NRIs को, ऐसा उदाहरण यहाँ पर बोला. और वो स्टेटमेंट यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ही बोला था कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में यहाँ पर आए. देन फर्स्ट ओपिनियन देख लेते हैं. One second. So this opinion is basically about Pakistan. So what the title of the opinion says, a chance for peace. India should engage Pakistan if it comes forward to normalize the relations. So यहाँ पे ऑर्डर ने बात की है कि अभी अभी पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने UAE based एक टीवी को यहाँ पर इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार किया. उसमें उन्होंने क्या बोला कि हम चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ नॉर्मल टाइज रखें और हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं. तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि जो सिचुएशन अभी हो रही है, जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, तो अगर पाकिस्तान यहाँ पे हमसे बातचीत करना चाहता है तो हमें यहाँ पर करनी चाहिए, यह एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा ऑर्डर का मानना है. बट करंट सिचुएशन में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है. पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो आप कोई भी चीज़ की पावर शॉर्टेज की बात आज हम वर्ल्ड सेक्शन में करने वाले हैं. यहाँ पे बेसिक जो एमिनिटीज़ है, बेसिक जो नीड्स है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है. और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो उनके एक तरीके से लोग काफ़ी लोग कह रहे हैं एज़ पर डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स कि पाकिस्तान ऑलरेडी दिवाला यहाँ पर हो चुका है. सो यहाँ पर ऐसे में ऑर्डर का मानना है कि अगर कोई देश ऐसा है जो अपना कहीं ना कहीं पड़ोसी देश है, उसमें अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे तो उसका कहीं ना कहीं रिपरकशन हमारे यहाँ डेफिनेटली हो सकता है. इसी वजह से बट हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पर, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन है दैट इज़ अरिंदम बागची, जिन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया कि हम एक पड़ोसी देश के साथ रहना चाहते हैं. मतलब जिस तरीके से वो एक अपना देश है, हमारा अलग देश है और हम दोनों देश पड़ोसी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते. बट बाकी और हम इससे ज़्यादा कुछ पाकिस्तान से नहीं चाहते. दैट मीन्स कि अगर आप टेररिज्म की बात करते हैं, आप कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाते हैं, तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी. तो ये पहले भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी साइड किया और अभी अरिंदम बागची जी ने भी इसके बारे में यहाँ पर बताया. सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़ कि ये चांस फॉर पीस की पाकिस्तान की सिचुएशन है, इसको एक हम एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मान सकते हैं, सो दैट दोनों देशों के बीच में यहाँ पर बात हो सकती है, ऐसा यहां पर ऑर्डर का मानना है. चलिए, देन विल मूव टू टुडे विल बी डिस्कसिंग वन एक्सप्लेन्ड. सो दैट एक्सप्लेन्ड इज अबाउट द केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट और उससे रिलेटेड यहां पर इश्यूज क्या है उसको भी हम समझेंगे. ओके, सो फॉर द टाइटल ऑफ द फर्स्ट एक्सप्लेन्ड इज व्हाट एल्स द केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट. सो इसके बारे में समझते हैं. बेसिकली इसमें हुआ क्या है, 22 मार्च 2021 जिसको हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाते हैं, उस समय देर आर टू गवर्नमेंट्स एंड वन मिनिस्ट्रीज, दैट इज द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज जो हमारी यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उन तीनों ने मिलकर केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत करने का अनाउंसमेंट किया. बेसिकली ये क्या है और इस रिलेटेड क्या वाइल्ड लाइफ रिलेटेड इशूज़ हैं, क्या एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज़ हैं और क्यों यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व का यहाँ पर बार बार नाम लिया जा रहा है, सो उसके बारे में समझेंगे. सो दोनों के तीनों के बीच में यहाँ पर ये MOU यहाँ पर साइन हुआ था और इसको यहाँ पर नेशनल कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन प्लान या परस्पेक्टिव प्लान में NPP में इसको सबसे बड़ा प्लान यहाँ पर बताया जा रहा था. उससे होगा क्या अगर रिवर लिंक प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाएगा, लगभग 35,000 करोड़ का ये कॉर्पस यहाँ पर माना जा रहा है और काफ़ी इसमें पैसा खर्च होना है, बट अल्टीमेटली इसका बेनिफिट क्या होगा. देखिए,
अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी जो होती है मानसून में, हम देखते हैं कि हमारी रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, उसी पे हमारा ये डिपेंड करता है कि कितने यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो अगर इस तरीके से अगर एक रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर बन जाता है तो उससे पानी की जो शॉर्टेज है वो उसमें बहुत यहाँ पर उसको हम नीड को फुलफ़िल कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, जो वाटर की रिक्वायरमेंट है पीने के लिए उसको भी यहाँ पर फुलफ़िल किया जा सकता है थ्रू दीज प्रोजेक्ट्स। अब इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट की बातचीत करना स्टार्ट हुआ, अलग अलग फेजेज हो रहे हैं। अभी जो हुआ 18 जनवरी को स्टीयरिंग कमेटी की थर्ड यहां पर मीटिंग हुई तीनों मिनिस्ट्रीज की, जल शक्ति मिनिस्ट्री और दोनों स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सो इसका बेसिकली पर्पज ये है कि जो बुंदेलखंड रीजन जो हमारा आता है, जो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा वन ऑफ दोज एरियाज जहां पे सबसे ज्यादा ड्रॉट मतलब सूखा यहां पर पड़ता है, तो ये जो बेसिकली केन मेटवर रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट है ये उसको भी कनेक्ट करेगा और वहां पे भी जो जलापूर्ति उसको यहां पर भरने की कोशिश करेगा। सो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट होगा। बट इसमें यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहीं पे मध्य प्रदेश में, वहां पे आपने सुना होगा पन्ना टाइगर रिजर्व है, राइट? सो पन्ना टाइगर रिजर्व से भी, क्योंकि वहां पे जो एरिया है हेक्टर्स और वो स्पेशली वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और जो एनिमल्स वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये जो वहाँ से पन्ना टाइगर रिजर्व से ये जो रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट है ये यहाँ से निकलेगा। तो उसी की वजह से जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शनिस्ट है, और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ये अपने आप में गलत है, इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं हमारा जो हेरिटेज है और कहीं ना कहीं जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका जो एरिया है वो कम होगा, और ऐसे में इसको अगर शुरुआत की जाएगी तो इसके जो रिपरकशन होंगे वो बहुत ख़राब होंगे। और इसी की वजह से हमने देखा पहले भी कुछ कुछ लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं, बट वाई द यूनियन गवर्नमेंट और दीज मिनिस्ट्रीज आर इज एडमेंट कि हमें ये करना है, बिकॉज ये आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे एक पुश मिलेगा। अल्टीमेटली पहले क्या होता था, मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन रहती थी, अभी तो यहाँ पर उन सबको मिनिस्ट्रीज को मर्ज कर लिया गया। पहले मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिज्यूवनेशन यहाँ पर एक मिनिस्ट्री होती थी, देन मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन, फिर बाद में हमने 3-4 मिनिस्ट्री को एक करके यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया, जिसके यूनियन मिनिस्टर हमारे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सो उसी के अंतर्गत ये पूरा यहाँ पर चल रहा है प्लान। तो अब यहाँ पे सरकार ये चाहती है कि इस केन मेटवर रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट से क्या होगा, जितने भी इशूज है स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू वाटर इन दीज रीजन, स्पेशली बुंदेलखंड रीजन, उन सबको यहाँ पर पूरा कर दिया जाएगा। और इससे यहाँ पर जो हर बार हम देखते हैं कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है वो इशूज नहीं होंगे, बट जो एनवायरमेंटलिस्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शनिस्ट है, उनका ऐसा मानना है कि अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो इसके इशूज यहाँ पर लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से ये बार बार मीटिंग्स हो रही है और अल्टीमेटली इन कमिंग टाइम वी माइट सी कि क्या इस पर कॉल लिया जाता है। बट फिर भी यहाँ पर अभी तक दिस पर्टिकुलर केन मेटवर रिवाइल्डिंग प्रोजेक्ट इज अंडर प्रोग्रेस कि इसको किस तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ओके, सो देन विल कम डाउन टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज इंडिया बैग्स ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर ओरिजिनल सॉन्ग एंड 2 डॉक्यूमेंट्रीज। सो यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जिस तरीके से हमने एक अवार्ड देखा था कि RRR मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको यहाँ पे ग्लोबल अवार्ड यहाँ पे मिला था। सो उसके बाद अब यहाँ पे जो ऑस्कर के जो नॉमिनेशन आए उसमें भी RRR मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको यहाँ पर लिया गया, और उसी के साथ साथ 2 और डॉक्यूमेंट्री है इंडिया की, दैट इज ऑल दैट ब्रीथेस एंड एलिफेंट विस्पर्स, इनको भी इसमें कैटेगरी में, दैट इज इन द डॉक्यूमेंट्री फीचर एंड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में यहाँ पे लिया गया है। सो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो मूवीज़ है, हमारा जो कहीं की सिनेमा है, वो इवन ऑस्कर्स तक हमने देखा, पहले भी हमारे काफ़ी सारी मूवीज़ वहाँ पे नॉमिनेट हुई है और कहीं ना कहीं उन्होंने अवार्ड जीता है। इन द सेम वे अभी रिसेंटली हमने देखा था, इससे रिलेटेड डिस्कशन किया था कि RRR नाटू सॉन्ग को किस तरीके से यहाँ पर अवार्ड मिला था। अब फिर से एक और अपॉर्चुनिटी है कि 12th ऑफ मार्च को, लगभग 2 महीने के बाद, ऑस्कर के नॉमिनेशन जो रिजल्ट फाइनली आएंगे, और नॉमिनेशन में ऑलरेडी हम आ चुके हैं, और वी माइट सी कि ये जो 3 यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज और एक ये जो सॉन्ग है, इससे हम ऑस्कर अवार्ड यहाँ पे जीत सके। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज। देन दिस इज अबाउट, एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, कि अभी हमारे 26th ऑफ जनवरी को जो हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसमें इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे हमारे गेस्ट होंगे। सो उसके बारे में आप बताया गया, इन प्रेसिडेंट सीसी विजिट इंडिया एंड इजिप्ट लुक टू रिकाइंडल नॉन अलाइंड एरा टाइज। सो यहाँ पे ऐसा पहली बार हो रहा है कि इजिप्ट के जो राष्ट्रपति है वो हमारे देश में एज ए रिपब्लिक चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं, राइट? और इंडिया और इजिप्ट के हमेशा से बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और जिस तरीके से स्पेशली अभी की जो गवर्नमेंट है इजिप्ट में, उन्होंने हमेशा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो मेंबर कंट्रीज है जहाँ पे सारे मुस्लिम कंट्रीज आते हैं, उसमें जब जब पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लिखा है तब इजिप्ट ने हमेशा इंडिया का यहाँ पर सपोर्ट किया, और दोनों देशों के बहुत अच्छे टाइज है। और इसी वजह से यहाँ पर 4 डे की विजिट में यहाँ पर जो ऑनरेबल यहाँ पर प्रेसिडेंट है, दैट इज ऑफ इजिप्ट अब्देल फतेह अल सिसी, वो यहाँ पर आए, और उन्होंने यहाँ पर जब उनसे पूछा गया, उनके जो साथ में लोग हैं उनसे पूछा गया,
तो उन्होंने बताया कि इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस सदियों पुराने हैं और दोनों देशों के बीच में स्पेशली अंडर द रिजीम ऑफ मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर उनको बुलाया और किस तरीके से यहाँ पर चार दिन के लिए काफ़ी सारे बायलेटरल टाइज काफ़ी सारे अग्रीमेंट्स यहाँ पर साइन होंगे उससे दोनों देशों के रिलेशंस और बेटर यहाँ पर होंगे ऐसा यहाँ पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने भी बताया और इंडिया की साइड से भी यही बात को यहाँ पर रिइटरेट किया गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो दिस इज अबाउट पॉलिटिक्स। सो देन विल मूव टू डायरेक्टली टू द वर्ल्ड सेक्शन। सो ऑन द वर्ल्ड सेक्शन विल बी डिस्कसिंग टुडे थ्री न्यूज। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट IMF। दैट इज IMF कन्फर्म्स, दैट इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कन्फर्म्स इंडियाज फाइनेंस अश्योरेंसेज फॉर श्रीलंका। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने देखा था कि किस तरीके से IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करता है बट उसमें फाइनेंशियल अश्योरेंसेज चाहिए कुछ देशों की। तो श्रीलंका की स्थिति खराब है, $2.9 बिलियन का उसको यहाँ पर लोन चाहिए, तो उसके लिए जो उनके क्रेडिटर्स है अगर वो रिटर्न अश्योरेंसेज दे देते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि उनको पैसा मिल सकता है। सो इंडिया ने, क्योंकि सबसे बड़े क्रेडिटर्स की अगर बात की जाए श्रीलंका से जो ट्रेड करते हैं दैट इज इंडिया चाइना एंड जापान, तो इंडिया ने रिटर्न अश्योरेंस अपनी 16th of January को ही यहाँ पे दे दी थी कि और उसके बाद हमने देखा 19th or 20th of January को हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी उन्होंने यहाँ पर श्रीलंका विजिट करी, तो उसके पहले हमने रिटर्न अश्योरेंस दे दी थी और वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने अश्योरेंस दी और अब यहाँ पे चाइना और श्रीलंका चाइना और जापान भी यहाँ पर अपनी अश्योरेंस दे देते तो श्रीलंका को ये $2.9 बिलियन का यहाँ पर लोन मिल जाएगा। तो हमने जो अश्योरेंस रिटर्न अश्योरेंस दी उसको यहाँ पर रिकन्फर्म यहाँ पर किया बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड that IMF confirms India's financial assistance for Sri Lanka, but they are waiting for the other two creditors as well, that China and Japan, they also give their written assurances so that they can proceed with this loan procedure. Then second news, अब यहाँ पे क्या हो रहा है यूक्रेन में, this is about Russia-Ukraine conflict. Several top level officials in Ukraine रिजाइन अमिट करप्शन एलिगेशन। सो अब ये इशू यहाँ पर आ गया क्योंकि रशिया यूक्रेन, यूक्रेन भी इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो अब यहाँ पे सरकार क्या करे, यूक्रेन की गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ लोगों को यहाँ पर निकाल दिया है। रीजन बीइंग आप देख रहे हैं जब से यहाँ पे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है तो काफ़ी सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, US है, यूरोपियन कंट्रीज, दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन। किस तरीके से सपोर्ट करें, आर्म्स, एम्युनिशंस, इवन कैश, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे ऐसे कुछ एलिगेशन लगे, दे आर सर्टन पर्सन वो आर इन्वॉल्व इन करप्शन, इंडल्ज इन करप्शन, और उनके खिलाफ यहाँ पे सरकार ने एक्शन लिया है और उनको यहाँ से अपनी जो पोस्ट है उससे निकाल दिया और उनके खिलाफ एक्शन भी यहाँ पर लिया जा रहा है। इसी के तहत दोज पीपल हुआ कन्विक्ड हुआ एलिस्ट, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये जो आरोप जो हमारे ऊपर लगे हैं गलत है और हम इसके खिलाफ जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ को एक्शन हमको लेना होगा हम वो एक्शन यहाँ पर लेंगे। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़ दैट सेवरल टॉप लेवल ऑफिशियल्स इन यूक्रेन रिजाइन अमिड करप्शन एलिगेशन, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन यहाँ पर लगे। देन नेक्स्ट न्यूज अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्थिति दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर, वी आर डिस्कसिंग दिस ऑन अ डेली बेसिस दैट पाकिस्तान पीएम इश्यूज अपोलॉजी टू नेशन ओवर पावर आउटेज। अगर कल की हम स्थिति पाकिस्तान की देखते हैं तो 24 घंटे में से 18 घंटे 16 घंटे मोस्ट ऑफ द सिटीज़ स्पेशली कराची जो वहाँ का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है वहाँ की स्थिति ऐसी है कि 16 से 18 घंटे वहाँ पर लाइट ही नहीं थी पूरे पाकिस्तान में। और हम देख रहे हैं खाने की वहाँ दिक्कत है, आटे की वहाँ पर दिक्कत है और फ्यूल नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्थिति वहाँ पर बहुत ख़राब है। और इवन जो तहरीक तालिबान है वो कंटिन्यूस वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वो कंटिन्यूस अटैक्स यहाँ पे कर रहा है, तो पाकिस्तान के इंटरनल इशूज़ जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, राइट। तो उसी के बीच यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने लोगों से इस चीज़ की अपोलॉजी मांगी कि इतने समय तक पूरे दिन में जो पावर ग्रिड का फेलियर यहाँ पर आ गया और जो इश्यूज़ यहाँ पर हो रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जा रहा है, बट फिर भी उन्होंने माफ़ी मांगी कि जिस तरीके से हमारे देश में एक तरीके से ब्लैकआउट ही हो गया। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज। देन ऑन द इकोनॉमी सेक्शन विल बी डिस्कसिंग वन न्यूज, दैट इज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स टू क्रॉस फाइनेंशियल ईयर 2023 गोल ऑफ $300 बिलियन सेट बाय गोयल। सो हमारे जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से अगर 8 से 9 महीने की अगर हम बात करें, जिस तरीके से हमारे सर्विसेज का एक्सपोर्ट, इवन गुड्स का एक्सपोर्ट की बात की जाए उसमें एक बढ़ोतरी है। हमने लास्ट ईयर अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, तब भी हमने यहाँ पर हमारे देश में जो ओवरऑल गुड्स का एक्सपोर्ट है उसको $400 बिलियन से सरपास किया था। हमने टारगेट सेट किया था $400 बिलियन और हमने अचीव किया था लगभग $419 बिलियन, राइट। इन द सेम वे सर्विसेज में भी, सर्विस सेक्टर में भी हम बहुत अच्छा यहाँ पर कर रहे हैं। सो उसी चीज़ का यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, नॉट अनाउंसमेंट बट कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि हमारा गोल है, हमारा टारगेट है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 2023 है, दैट इज अभी की जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें हमारे
जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं और उसका उसके लिए उन्होंने एक टारगेट सेट किया, दैट इज $300 बिलियन का यहाँ पर टारगेट सेट किया है। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट की बात की जाए, इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट सभी चीज़ के बारे में, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी आर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल। हालांकि एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि ग्लोबल डिमांड एक थोड़ी सी कम हुई है, उसकी वजह से डिमांड अगर कम हुई है तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर एक्सपोर्ट में कमी आई है। बट फिर भी यहाँ पे द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट आने वाले समय में और एक्सपोर्ट को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। सो दिस वॉज अबाउट दिस होल न्यूज़। So Hiran, I conclude with today's session. Do hit the like button, and if you have any suggestions for us, please comment in the comment section of this video. That's all from my side. Thanks for watching.